जय साथियों, मैं रिच कुमार, आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आपकी जबरदस्त चल रही होगी। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया जीके जीएस में कैसे कवर करूँ, तो इसके लिए इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन उठता है, आपके एग्जाम में 100% उठता ही उठता है, वहाँ से प्रश्न है। वैसे जीके जीएस जो है एक समंदर है, आपको भी पता है बहुत सारा जीके जीएस है, क्या पढ़े क्या छोड़े, लेकिन जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ इन टॉपिकों को आपको तैयार करना है जिससे कि आपका जीके जीएस बहुत बेहतरीन हो जाएगा। यानी कि अगर 20 नंबर का जीके आपका आता है उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को प्रश्न मिलेंगे, बाकी के अलग किसी भी कहाँ से हुई हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको भी पता है एक जीके जीएस में एक आइडियल स्कोर होता है इतना, क्योंकि जीके जीएस कम समय में आपको बस इतना ही तैयार करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको तैयार कर लेना है बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि सभी बच्चों को इसमें क्लियर कट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, चाहे वो यूजी की तैयारी कर रहे हो चाहे वो पीजी की तैयारी करें, सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है टॉपिक, आपके यूजी और पीजी दोनों के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, प्लीज आप सभी लोग सभी बच्चों के पास शेयर जरूर कर देंगे ताकि सभी का भला हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इससे। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला अगर बात करें हम, पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, मौलिक अधिकार। पहला टॉपिक अगर बात करें तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, मौलिक अधिकार के बारे में आपको तैयार करना है। क्या मौलिक अधिकार? यानी कि जो पॉलिटी में मौलिक अधिकार होते हैं इनसे क्वेश्चन काफी आते हैं आपके, अनुच्छेद तो आते हैं लेकिन इसमें मौलिक जो अधिकार वाला क्षेत्र है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये वाला जो पार्ट है इससे क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कि जैसे कि जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं 6 और मौलिक कर्तव्य है 11, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, इनके आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं, इनके मतलब कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है, ठीक है, किस अनुच्छेद में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको बेहतर तरीके से थोड़ा कवर करना है, जल्दी ही कवर कर सकते हो, तो ये टॉपिक आपको जरूर कवर करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रमुख दिवस, एक क्वेश्चन आपसे लिख कर ले लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि प्रमुख दिवस, चाहे वो कोई भी दिवस आपसे पूछ लिया जाए, एग्रीकल्चर का भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, जैसे पर्यावरण दिवस हो सकता है आपसे पूछ ले, जनसंख्या दिवस पूछ ले, विश्व पुस्तक दिवस पूछ ले, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं जो आपको ये वाले जरूर देखने हैं। ठीक है, तो दिवस आपको बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार करना है, दिवस को, मौलिक अधिकार को, यहां से एक क्वेश्चन 100% आपको मैं लिख कर दे सकता हूं, यहां से क्वेश्चन 100% हर बार पूछा गया है तो इस बार भी आपसे पूछा ही जाएगा। तो प्रमुख दिवस आप जरूर तैयार कर लें, और इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो पहले से ही बना रखी है, वो मैं यहाँ पर आपके ऊपर सहसो भी हो रही हूँ, तो इनको देख लेना, यहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हो चुका है, प्रमुख दिवस हो चुके हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्य और राजधानी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है, राज्य और राजधानी से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। तो राज्य और राजधानी, जितने भी हमारे राज्य हैं, राजधानी क्या क्या है, इनके बारे में आपको याद कर लेना है, राज्य और राजधानी, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करना है। और साथ ही साथ जैसे कि भारत के जो पड़ोसी देश है, यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनकी भी आपको राज्य, सॉरी, उनकी राजधानी है, जैसे कि नेपाल की काठमांडू, बांग्लादेश की ढाका, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, चीन की बीजिंग, तो इस प्रकार से इनको आपको याद करना होगा। ठीक है, पड़ोसी देशों की राजधानी काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पड़ोसी राज्य की राजधानियां और अपने देश की जो है राज्य, इनकी राजधानियां और पड़ोसी देशों की राजधानियां आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो जो कॉमन है, जैसे जापान वगैरह है, यूएस वगैरह, तो मतलब कॉमन है जो आमतौर पर सभी लोग सुनते रहते हैं उनको ना, तो इनको कम से कम याद ही होंगे। ठीक है, यहाँ से मतलब नॉर्मली आपको इसको याद जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें लोक नृत्य और नेशनल पार्क, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, सभी एक प्रकार से स्टैटिक जीके आपका है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर बनते हैं। लोक नृत्य जैसे कि बिहू कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, उनको काफी अच्छी तरीके से मतलब ट्रिकी अंदाज में आपको याद करना है। ठीक है, ट्रिकी अंदाज में बहुत आसानी से याद कर सकते हो, असम का क्या है, बिहू है, असम की बहू बिहू, ऐसे करके याद कर सकते हो। बाकी नेशनल पार्क वगैरह जो है, नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पर, मानस कहाँ है, काजीरंगा कहाँ है, बांदीकुई कहाँ है, ठीक है, बांदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, ठीक है, ये काला केवला देव पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से। लोक नृत्य में आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है, जितने भी स्पेशली दक्षिण भारत के जो हैं उनको जरूर याद रखना है, दक्षिण भारत से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, लोक नृत्य में तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके इसको जरूर तैयार कर लेना है आपको लोक नृत्य, जिनके ऊपर मैं वीडियो पहले से बना रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं जीके जीएस के प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं है कि आप लोगों का मैं दोबारा से फिर से बनाऊं, क्योंकि आपको भी पता है मेरा जो काम होता है पूरा लिखित होता है, पूरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे, तो इतना समय भी नहीं है, अपना भी कुछ काम होते हैं, प्लीज आप लोग वहां से देख सकते हैं, पूरा मैटर वही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें संविधान के स्रोत, यानी कौन सा संविधान में कौन सी चीज कहाँ से ली गई, जैसे कि नीति के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लेंगे, कानूनी प्रक्रिया कहाँ से ली गई, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको याद रखना है इसके। ठीक है, देखो पॉलिटी में आपको अधिकार बता दिए और यहाँ पर संविधान के स्रोत, ये आपको तैयार करना है, संविधान के स्रोत भी तैयार कर लेने हैं बेसिकली, और संविधान के जो बेसिक बेसिक चीजें कब लागू हुआ, कितने दिन लगे, ठीक है, किसके कौन अध्यक्ष थे, तो बेसिक बेसिक चीजें इसमें पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताएं, लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक भी फॉलो करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा।
जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संविधान की अनुसूचिया, संविधान की अनुसूचिया अगर बात करें, संविधान की अनुसूचिया इसको आपको तैयार करना, जैसे कि 12 अनुसूची है तो कौन सी अनुसूची पहले कितनी थी, पहले 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूची जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको उनको तैयार कर लेना है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन, किसमें क्या क्या दिया गया है, किसमें किसके बारे में जिक्र किया गया, कौन सी अनुसूची में। ठीक है, तो इसको आसानी से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, बेसिक आधुनिक इतिहास, बेसिक आधुनिक इतिहास भी आपको तैयार कर लेना है। बेसिक यानी कि जो मॉडर्न इतिहास हमारा है, जैसे कि जो मॉडर्न इतिहास आपको पता ही है, जब से अंग्रेज आए थे तब से जो है मॉडर्न इतिहास चलता है, तो वहां से मॉडर्न आपको याद रखना है मॉडर्न इतिहास के बारे में बेसिक, वो भी बेसिक बेसिक आपको पता ही भी होगा क्वेश्चन, बाकी कम से कम बेसिक जो आए वो ना गलत हो, बाकी जो ज्यादा डीप से आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसका कोई कंपटीशन का मतलब ही नहीं रहेगा उसको, लेकिन जो आपके बेसिक जो क्वेश्चन है वो जरूर नहीं गलत होने चाहिए आपके। मान लो आपसे पूछ लिया जाएगा कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो अगर आपका ये गलत होता है तो बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बच्चों को पता होगा, ये समस्या है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको प्लस जो आपके जो मूवमेंट चले थे, जो आंदोलन चले थे, ठीक है, तो बेसिक बेसिक आंदोलन के बारे में भी आपको याद रखना है कुछ टॉपिक, जो जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, किसने कौन सा नारा दिया था, ठीक है, ये सभी आपको इसी में कवर हो जाएगा आधुनिक इतिहास में। ठीक है, ये सभी आपको इसी में कवर हो जाएगा। बाकी अगर आप थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहे, जैसे मौर्य वंश वगैरह थोड़ा वहां पर पढ़ लेना कि कौन से किसके संस्थापक वगैरह था, ठीक है, थोड़ा सा तो उसको भी आपको यहां से कवर कर लेना है। बेसिक इतिहास भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है, बेसिक ही पढ़ना है, ज्यादा डीप में जाओगे तो पूरा फिर इसी चक्कर में रह जाओगे, और क्वेश्चन आए अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो क्योंकि भाई इतना ज्यादा सिलेबस है उसमें से मैं वो टॉपिक आपको बता रहा हूँ जहां से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 10 से 12 क्वेश्चन की मैं आपसे वादा करता हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिकों से कवर हो जाएंगे, बाकी क्या अब कहां से आ जाए, कितना डीप से आ जाए, तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, एग्जामिनर ही जाने, ठीक है, क्योंकि जीके बहुत बड़ा है। ये अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, 2018 से मैं लगातार यूपी कट के संपर्क में रहा हूँ, इसके एग्जाम के तरीके में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसी आधार पर मैं बता रहा हूँ। चलिए देखें, वो देखें बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि, बौद्ध धर्म से हों, बौद्ध धर्म जो है अपना, जैन धर्म जो है, और इससे संबंधित जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का, महावीर जो थे, मतलब थोड़ा इनके बारे में जो आपको याद रखना है, और धर्म के बारे में साथ ही साथ इसमें ऋग्वेद वगैरह के बारे में थोड़ा जान लेना है कि कौन कौन से वेद हैं, कौन से ऋग्वेद, कौन सा किसमें क्या है। ठीक है, तो बेसिक आपको इसके बारे में भी जान लेना है। ठीक है, नया अगर बात करें नौ नंबर प्रश्न पर, नौ नंबर पॉइंट पर अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर देखें प्रमुख मुख्यालय, यहाँ पर मुख्यालय आपसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पक्का है। मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन अपने यहाँ से फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बीच में वीडियो जो है बंद हो गई थी, मैं पूरा बता चुका हूँ एक बार। चलिए देखिए, 10 नंबर पर क्या है, अवार्ड, तो आपको अवार्ड तैयार करने हैं, क्या अवार्ड, कौन सा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, धनवंतरी किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, परमवीर चक्र किस में दिया जाता है, ये सब चीजें, और ट्रॉफी जैसे कि डूरंड कप किस में दिया जाता है, रणजी ट्रॉफी किस में दी जाती है, जोधा ट्रॉफी किस में दी जाती है, तो ऐसे आपको ट्रॉफियां कुछ याद करनी है, खिलाड़ी किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, और ये सब थोड़ा सा जो है खेल से बारे में आपको याद करना है। नेक्स्ट अगर बात करें विविधि, विविध प्रश्नों की अगर बात करें हम लोग विविध में, तो विविध में आपको क्या ध्यान रखना है, विविध में प्रश्नों में जैसे कि सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा डैम कौन सा है, ठीक है, डैम वगैरह जो इसमें आ जाएंगे आपके, और सबसे बिहार का शोक क्या है, पश्चिमी शोक क्या है, नदियों के उपनाम कोई कोई पूछ लिया जाता है आप कभी कभी, और सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विविध में आपको ये तैयार करना है, ठीक है, विविध का मतलब है कि जो फैक्चुअल चीजें हैं ना, कि सबसे बड़ा छोटा ये तो थोड़ा ऐसे ना, तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा आपको देख लेना है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का बारे में, जैसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, ठीक है, और इसके बारे में उत्तर प्रदेश के कौन चिन्ह में क्या क्या होता है, मतदान दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो बेसिक कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको विविध के में ही आपको कवर करना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको विविध में कवर कर लेना है। ठीक है, अब अगर बात करें आपको ये सब मैटर कहाँ पर मिलेगा, तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आपको मैं ऊपर दिख रही होगी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उससे आप तैयार कर सकते हो बेहतर तरीके से। ठीक है, ये पूरा आपको बेहतर तरीके से पूरा कवर कर सकते हो, या फिर आप जो है इसकी कोई किताब खरीद सकते हो जैसे कि लूसेंट वगैरह, लेकिन लूसेंट खरीदने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पर आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, वहां पर बहुत डीप में और पूरा दिया होगा, तो उससे कोई मतलब आपका नहीं निकलेगा, मैं फिर बता दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको नोट कर लेते हो, जैसे मैंने वीडियो पढ़ी हुई है उससे आप नोट डाउन कर लेते हो, तो आपका काम बन जाएगा, कम समय में आपको बेहतर तरीके से कंटेंट मिल जाएगा, वो भी मैं ट्रिक से पूरा बताया हूँ। बाकी दूसरी चीज है, अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज जीके की, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, 21 रुपये में है, जिसमें कि आपको MCQ मिल जाएंगे प्लस PDF मिल जाएंगी। ठीक है, उससे भी आप इसे कवर कर सकते हो।
ठीक है, इन टॉपिकों को आप उससे भी कवर कर सकते हो बेहतर तरीके से। ठीक है, अगर इसको आपको ज्वाइन करना है तो मेरे नंबर 90 26 388 649 पर ठीक है व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है सब चीज़ें। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, तो करंट अफेयर के लिए आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उधर टाइम दोगे तो तुम्हारा जो मेन कोर्स है वो छूटेगा। करंट अफेयर आए या ना आए, कोई क्वेश्चन पूछे जाए ना पूछा जाए, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात होती ना। तो आपको एक आइडियल स्कोर के तरफ चलना है, ये इसमें 100 में से 100 के चक्कर में मत रहना, जीके में हम 20 में से 20 सही कर देंगे, किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, 10 से 12 का आपका आइडियल स्कोर होना चाहिए, अगर इतना आ रहा है तो एक जान लो आइडियल स्कोर है जीके के लिए। ठीक है, जीके के लिए एक आइडियल स्कोर माना जा सकता है जीके के लिए स्पेशली। और मैं इसके लिए आपको जो है इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा आपको कवर करा दूंगा अच्छे तरीके से। करंट अफेयर के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का जो है वीडियो यूट्यूब पर चैनल पर अपने ले आऊँगा। थैंक यू सो मच सभी का, आप सभी लोग जुड़े, थैंक यू सो मच।